फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हाँ, आप शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं। आप लोग बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसपे आपको थंबनेल आप देखते होंगे कि लगा होगा ऊपर और शॉर्ट वीडियो पर लिखे रहते होंगे। वो लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाते हैं, बट आप अगर उस वीडियो को ओपन करते होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि कैसे लगाना है और उसमें इधर उधर कई चीज़ें बता देते होंगे। आप लोग परेशान हो जाते होंगे और वीडियो की स्किप करके छोड़ के चले जाते होंगे वहीं से। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। आप मात्र एक मिनट के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं भी अपने वीडियो में शॉर्ट थंबनेल लगा चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगा चुका हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे इस वीडियो में देखिए शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाया हूँ। आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कोई ऑप्शन नहीं आता है शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाने का, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं आता है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीका को आपको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स मैं हूँ नंदलाल और आप देख रहे हैं नंदलाल टेक्निकल। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि शॉर्ट वीडियो पर थंबनेल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सीधे आपको एक थंबनेल मेकर या फिर आप जहाँ भी थंबनेल बनाते होंगे आपको उसे डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से देखिए थंबनेल पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ से देखिए रेशियो होता है जो थंबनेल का, ये आपको उल्टा यहाँ पे करना है सीधे, ठीक। वेथ आपको लेना है 720 और हाइट लेना है 1280, ठीक। इसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से जाने के बाद अगर आपके मोबाइल में फ़ोटो है जिस चीज़ का भी थंबनेल बनाने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो का, उसी रिलेटेड आप यहाँ पर थंबनेल बना दीजिए, ठीक। तो आपको क्या करना है कि अगर गैलरी में फ़ोटो तो गैलरी में जाइए और आप गैलरी में से फ़ोटो को उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। तो मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, आप भी इसी तरीके से सिलेक्ट करके आपको जो भी यहाँ पे टाइटल में लिखना पढ़ना है आप आराम से कर दीजिए। और इसके बाद इसको जो भी आपका वीडियो जो आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम चैनल पर, तो आपको उस पर क्या करना है, आपको एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करते होंगे वहीं उसी एप्लीकेशन में आपको वर्क करना है। ये मैं एक नॉर्मली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी वीडियो आपकी रहेगी, ठीक। तो ये वीडियो देखिए सिलेक्ट हो गई है। वीडियो सिलेक्ट होने के बाद आपको अब क्या करना है कि वीडियो को एडिट कर लेना है पूरा तरीके से, सही तरीके से कलर करेक्शन, ग्रेडिंग रेडिंग सारी चीज़ें ट्रिम व्रिम कर लेनी है, ठीक। तो वीडियो फाइनली कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पे देखिए एक आता है अटैच करने के लिए फ़ोटो, ठीक। तो आपको PIP पे क्लिक बैक करता हूँ, PIP पे आपको क्लिक करनी है। PIP पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो, ठीक। तो आपको फ़ोटो जो थंबनेल आपने बनाया रहेगा उस थंबनेल को अब यहाँ पे अटैच करना है। तो आपको थंबनेल को पूरा शॉर्ट वीडियो में जैसे है उस पर सेट कर देंगे आप 16:9 के रेशियो में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर दिया इसको, और सेट करने के बाद आप इस वीडियो को सेव कर देंगे, ठीक। या फिर आप कोई देखिए एक तरीका और है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे शुरुआत है शुरुआत में एक दो सेकंड छोड़ने के बाद आपको इसको 0.5 सेकंड के लिए रख सकते हैं, ठीक। 0.5 सेकंड के लिए मात्र रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, आपको एक सेकंड के अंदर ही रहे आपका वीडियो। तो यहाँ पर करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है। अब आपकी वीडियो पूरी एडिट हो चुकी है, एडिट होने के बाद अब इसको आपको सेव कर देनी है, ठीक। तो अब आपको सेव करने के लिए देखें यहाँ पे रेजुलेशन पूछ रहा है, तो 720 क्या है, आप जो भी अच्छा लगे आप उसको करके आप इसे सेव कर दीजिएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सेव हो रहा है वीडियो, ठीक। तो ये वीडियो सेव होने के बाद अब मैं चलता हूँ अपलोड करने के लिए, एप्लीकेशन को ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कि अपलोड ये वीडियो पर क्लिक करना है, ठीक। तो अपलोड ये वीडियो पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये लाइव पे मेरा चला गया, यहाँ पे अपलोड ये वीडियो पे क्लिक करेंगे। अपलोड ये वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको जो वीडियो रहे कि यहाँ से देखिए शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो को आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये अपलोड करना होगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
आपको जो भी इसमें अगर फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर लगा दीजिए, अगर वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर कर दीजिए, टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि थंबनेल कैसे लगाना है, ठीक। तो शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाने के लिए सबसे मेन रोल अब आपको यहाँ पे पड़ेगा कैसे लगाना है शॉर्ट वीडियो में थंबनेल, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है कि कैप्शन लिख देना है जो भी आपका वीडियो रहेगा उस वीडियो से रिलेटेड, ठीक। तो यहाँ पे लिख दीजिए मेला, जो भी आपको है लिखना वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो देख रहे हैं पेंसिल का आइकन, पेंसिल के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये ड्रैप डाउन करने के लिए आ रहा है, ठीक। तो आप ये जहाँ भी इसको अगर आप फिक्स करेंगे वहीं का आपका थंबनेल शॉर्ट वीडियो में लगेगा। तो अगर आप इसको यहाँ करते हैं तो यहाँ का थंबनेल लगेगा, अगर आप यहाँ करते हैं तो यहाँ का थंबनेल लगेगा। हम तो जो हम आपको थंबनेल लगानी है वो लगा सकते हैं यहाँ से आप। तो आपको क्या करना है, जो आपने फ़ोटो को एडिट किया था थंबनेल को, अब उस फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, मतलब आपने कहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे देखिए लगा है ये फ़ोटो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। सेलेक्ट कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है, डन पे क्लिक करेंगे और अपलोड शॉर्ट, तो ये आपका वीडियो जो है कि अपलोड होने लगेगा। अपलोड होने के बाद अब आपको हम दिखाएंगे कि आपके वीडियो में कैसा थंबनेल लगा है। तो अभी आप बस 10 सेकंड का इंतज़ार करिए, वीडियो अपलोड होने के बाद मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ थंबनेल कौन सा लगा है। तो अब आप देखिए मेरा ये वीडियो अपलोड हो चुका है YouTube चैनल पे। तो ये अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे वीडियो में कैसा थंबनेल लगा है, जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही थंबनेल लगा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस वीडियो पे क्लिक भी कर देता हूँ तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक सेकंड के बाद वीडियो स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैं यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि जो शॉर्ट वीडियो अभी मैं अपलोड किया हूँ उसमें कैसा थंबनेल लगा है, देखिए। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करता हूँ, अभी जस्ट मैंने देखिए 3 मिनट पहले जो वीडियो अपलोड किया था ये देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे, और शॉर्ट वीडियो का देखिए ये थंबनेल, और आप और सभी वीडियो को देख सकते हैं उसमें थंबनेल देखिए कैसे लगा है। तो ठीक है, थंबनेल लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।